Hi guys, welcome back to my YouTube channel. I am Pratishtha and here I am with another video. So आपके बहुत सारे कमेंट्स ऐसे आते हैं, बहुत मुझे कमेंट आए कि इस बारे में बात कीजिए कि क्या AI जो है वो स्टेनो की जॉब को खा सकता है, एलिमिनेट कर सकता है या नहीं, तो इस टॉपिक पे बात कीजिए. तो आज हम उसी टॉपिक पे बात करने वाले हैं AI के बारे में कि क्या स्टेनोग्राफर की जॉब खतरे में है AI की वजह से. तो देखिए, सबसे पहले तो मैं ये बात करती हूँ कि स्टेनोग्राफर्स जो होते हैं वो काफ़ी डिपार्टमेंट्स में होते हैं और प्राइवेट सेक्टर में भी होते हैं और गवर्नमेंट सेक्टर में तो होते ही हैं, जिसके SSC और UPSC, UPPSC सब ये जो आयोग हैं वो पेपर कराते हैं. इसके साथ ही कई कई गवर्नमेंट जो ऐसे डिपार्टमेंट होते हैं जो अपने आप से भी कराते हैं, आयोग की मदद नहीं लेते हैं, तो वो खुद अपना पेपर कराते हैं. तो इस हिसाब से स्टेनोग्राफर्स कई डिपार्टमेंट्स में और कई प्राइवेट सेक्टर में अपॉइंट होते हैं. अब बात करें AI की, तो सबसे पहले ये बात है कि यस, AI बहुत सारी चीज़ों को आसान कर रहा है और बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो स्टेनोग्राफर्स करते हैं लेकिन वो सारी चीज़ें AI कर सकता है. लेकिन आपको यहाँ बात क्या ध्यान में देने की है, जो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में या किसी भी प्राइवेट डिपार्टमेंट में भी जो स्टेनोग्राफर अपॉइंट होते हैं वो सिर्फ स्टेनोग्राफर्स नहीं होते हैं, वो होते हैं प्राइवेट सेक्रेटरी, प्राइवेट असिस्टेंट. तो असिस्टेंट होते हैं और ऑफिसर को असिस्ट करते हैं. इस हिसाब से सिर्फ स्टेनो लिखना उनका काम नहीं होता है. अगर सिर्फ स्टेनो लिखना होता तो अभी वो जॉब ख़त्म हो जाती, क्योंकि अभी भी बहुत सारे डिपार्टमेंट में स्टेनो लिखा ही नहीं जाता है. मेरे डिपार्टमेंट में भी बहुत ही कम कमिश्नर्स हैं, बहुत ही कम लोग हैं, बहुत ही कम ऑफिसर्स हैं जो हम लोगों से स्टेनोग्राफी का काम लेते हैं, ऐसे नहीं लेते हैं जनरली. बट ये जॉब अभी भी ख़त्म नहीं हो रही है ना, वैसे भी ख़त्म नहीं हो रही है रिक्वायरमेंट के हिसाब से. तो ऐसे ही सिर्फ स्टेनोग्राफर मतलब स्टेनोग्राफी लिखना है उसका काम नहीं है, असिस्टेंस काम है. तो असिस्टेंस के लिए एक इंसान का होना ज़रूरी है, तो वो ही आप उनको असिस्ट कर सकता है, उनके छोटे छोटे जो भी काम है वो कर सकता है. अब अगर हम पर्टिकुलरली देखें कि जो भी वो काम देते हैं, जो भी ऑफिसर काम देते हैं, वो भी क्या रिप्लेस कर सकता है AI? सो यस, वो काम भी रिप्लेस किया जा सकता है AI की मदद से. लेकिन फिर भी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में खासकर जो भी ऑफिसर है जिसको आप असिस्ट करते हैं, जिसको आपको लग रहा है कि मतलब मेरी जॉब चली जाएगी क्योंकि AI आ जाएगा, वो ऑफिसर AI चलाने के लिए भी उसको एक बंदा चाहिए, वो ऑफिसर खुद नहीं यूज़ करेगा. समझ रहे हैं आप, मतलब एक ऑफिसर का काम बहुत होता है, अभी आपको पता नहीं है, बहुत बड़ा काम होता है. उनको अपने साथ लोग चाहिए, इंसान चाहिए. मैं ये मानती हूँ कि हो सकता है कि प्राइवेट सेक्टर्स में धीरे धीरे लोगों को कम करने के लिए, क्योंकि उनको खुद ही सैलरी पे करनी होती है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, तो वो हो सकता है कि इस चीज़ को एलिमिनेट करे और AI से बहुत सारा काम ले. लेकिन गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में ये बहुत अभी मुश्किल है, क्योंकि हर जो ऑफिसर है उसको अपने साथ एक इंसान चाहिए जो उस AI को भी रेगुलेट कर सके, यूज़ कर सके और उससे अच्छा बेनिफिट निकाल सके. अब यहाँ पे आपको ये बात ज़रूर ध्यान में देने की है, क्योंकि AI आ गया है तो हो सकता है कि अब आपके जो पेपर हो, अब आपका जो स्किल हो, या अब आपके जो भी जहाँ पे भी इंटरव्यू होते हैं वो थोड़े हाई क्लास के होंगे, हाई लेवल के होंगे, क्योंकि अभी आपको ज़्यादा स्किल सीखने की ज़रूरत है, अभी आपको AI भी हैंडल करना आना चाहिए, उससे भी चीज़ें निकालने आनी चाहिए. तो ऐसे बहुत सारी चीज़ें जो आपको एक्स्ट्रा आनी चाहिए. जितना आसान तब था जॉब लेना, पहले था जॉब लेना AI से पहले, अभी थोड़ा सा और मुश्किल हो सकता है. ऑब्वियसली AI आने से सिर्फ यही नहीं है, AI आने से आपकी जो पढ़ाई है वो भी रिसोर्सफुल हो गई है, आपको पढ़ाई आसान हो गई आपकी, तो इस हिसाब से कंपटीशन भी आपका बढ़ रहा है, तो ये जॉब लेना और मुश्किल हो जाएगा. लेकिन आपकी ये जॉब नहीं जाएगी, अभी तो कुछ साल नहीं जाने वाली है फॉर श्योर. क्योंकि जब आप डिपार्टमेंट में होते हो तब आपको पता चलता है कि ऐसी छोटी छोटी चीज़ें होती हैं असिस्टेंस में जो आप करते हो, जो कि AI शायद कर सकता है, लेकिन उसको भी करवाना पड़ेगा. AI अपने आप से नहीं करेगा, उसको भी कराना पड़ेगा. तो अगर आप एक छोटी सी चीज़ ले लो कि अगर आपको एक प्रिंट भी लेना है ना, तो ऑफिसर आपको बुलाता है, ऑफिसर के पास प्रिंटर है, सब कुछ है. मैं ये नहीं कह रही सारे ऑफिसर्स ऐसे हैं, सब कुछ है उनके पास, लेकिन फिर भी वो आपको बोलेंगे कि आप प्रिंट लेकर आओ. बहुत सारे मेल्स हैं ऐसे जो
एआई आपको पढ़ देगा, लेकिन आप अपने दिमाग से जो सोचते हो कि ये इम्पॉर्टेंट है या नहीं, आपके डिपार्टमेंट में इम्पॉर्टेंट है या नहीं, इसको कौन से ऑफिसर के पास जाना है, एक पर्टिकुलर ऑफिसर का नाम होना, अगर वो अवेलेबल नहीं है तो फिर किसके पास जाना है, और आपसी जो संबंध होते हैं वो सब करता है एक स्टेनोग्राफर असिस्टेंट्स के तौर पर। तो ये सारी चीज़ें एआई नहीं कर सकता। दूसरी चीज़ ये भी कि ऑफिसर और बाकी जो जनता है, बाकी जो स्टाफ है, बाकी जो पूरा ये जो स्ट्रक्चर है उसके बीच में आप होते हो, तो आप इनमें रिलेशन कायम करते हो। अगर किसी ऑफिसर से किसी को बात करनी है, मिलना है, कुछ भी करना है, तो वो बिना आपके थ्रू जाए नहीं हो सकता है, वो सीधा ऑफिसर से नहीं मिल सकता, तो इसके लिए भी एक इंसान का होना ज़रूरी है। हाँ, ये मैं बताती हूँ कि अगर सीधा रोबोट ही डाल दिया कि रोबोट रहेगा और वो ही करेगा, वो ही ये करेगा, जैसे वेटर्स आजकल रोबोट बन गए हैं, तो इस तरह का अगर कोई ले आते हैं, हर जगह पर रोबोट्स ही रोबोट्स यूज़ हो रहे हैं, तो मे भी ये ख़त्म हो सकता है। मतलब इंसान की जगह पे इंसान जैसा ही किसी को लाना पड़ेगा, अदरवाइज़ यहाँ पे अभी कोई चांस नहीं है। और आई डोंट थिंक कि गवर्नमेंट में किसी रोबोट से इस तरह के काम कराए जाएंगे। तो दैट इज़ इट। और मतलब अभी आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, अभी आप जब डिपार्टमेंट में आओगे तो, या फिर आपके कोई जान पहचान के होंगे तो आपको बताएंगे कि ऐसे ऐसे काम होते हैं जो कि मतलब पर्सनल लेवल पे भी होते हैं और ऑफिसर्स होते हैं। तो अगर मैं थोड़ा सा फ्रीली बात करूँ, ऑनेस्टली कि ऑफिसर अपने पर्सनल काम करवाते हैं, ठीक है, बहुत सारे होते हैं, तो जैसे हम लोगों को तो नहीं करना होता है, लेकिन ऐसे अगर आप मेल हैं तो ये आपके पास मतलब वो है कि आपको थोड़ा सा उनका पर्सनल काम करना पड़ सकता है। अब वो चीज़ें तो वो किसी रोबोट से, किसी एआई से तो नहीं कराएंगे, है ना, तो आप उस जगह पे होते हो, तो आप ऐसी जगह पे हो जहाँ पे उनको एक इंसान का, एक इमोशनल इंसान का, और वो जो सब कुछ सुन ले, उनकी डांट सुने, उनका सब कुछ, तो वो आप करते हो। तो अभी ये जॉब जाने वाली नहीं है, सो डोंट वरी। जिनके भी मन में ये डाउट था कि हमारी जॉब चली जाएगी या फिर हमें अब इसमें करना चाहिए नहीं करना चाहिए, तो आपको वो चिंता नहीं करनी है। जब तक स्टेनो का पेपर हो रहा है तब तक आपको आराम से आप कर सकते हैं, और अचानक से स्टेनोग्राफर का जो पोस्ट है वो कोई हटा नहीं रहा है, उसके लिए भी आराम से नोटिस आएगा, तो फिर आप स्टेनोग्राफी सीखना बंद कर सकते हो। ऑब्वियसली मुझे लगता है कि कुछ सालों में, मे बी 15-20 सालों में या 10-15 सालों में हो सकता है स्टेनोग्राफी जो है वो हटा दी जाए। इसी वजह से जो अभी आप लोग बैच में हो वो सारे लोग अभी ही स्टेनोग्राफी करके और जॉब ले लो, ताकि मतलब 10-20 साल के बाद, आई डोंट थिंक कि आप लोग एलिजिबल होगे फिर 10 साल के बाद भी, और या फिर मैं तो आपको होप भी नहीं करूँगी कि आप 10 साल तक एक ही चीज़ कर रहे हो, तो 10 साल तक में भी ये चीज़ पोस्ट ऐसे ख़त्म हो जाए कि रिक्रूटमेंट नहीं होगा नए लोगों का, लेकिन पुराने लोगों को नहीं हटा सकते, खास करके सेंट्रल गवर्नमेंट में। तो आपको चाहिए कि अभी आप करो, इजी पेपर आता है, इजी चीज़ें हैं, और स्टेनोग्राफी एक स्किल है, वो करके अगर आप ये जॉब ले लेते हो तो इससे अच्छा कुछ नहीं है, डरने की बात नहीं है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।